22 किलोमीटर का BRT ट्रैक जिसपे 22 के करीब स्टेशन हैं। अभी इस वक्त हम NET स्टेशन करीब मौजूद हैं और ये कराची के यूनिवर्सिटी रोड पे तमाम जामियात से को टच करता हुआ जो है वो नुमाइश पे पहुंचेगा। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कोई एक कंपनी या एक नहीं होता है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ अ टीम वर्क। तो इसमें कराची के बाकी इदारे, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, NTC, PTCL तमाम इदारे साथ हैं और बिलखसूस के इलेक्ट्रिक भी हमारे साथ एक कलीदी पार्टनर के तौर पर काम कर रही है। इसमें ये तमाम यूटिलिटीज़ एक मुनज़्ज़म तरीके से अंडरग्राउंड हम करने जा रहे हैं। ये 24/7 काम होता है, डिफरेंट लेयर पे जो है वो के इलेक्ट्रिक के साथ हमारा राबता भी रहता है एंड वी कंसीडर देम एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। वी होप दे विल बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस। जो ख्वाब हमने देखा है अहलियान कराची को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया करने का, दे आर द की प्लेयर विद अस इन दैट। सो आज हम इस प्रोजेक्ट पे से आए कि इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में से 5 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक ने मुकम्मल कर लिया है, मज़ीद 5 किलोमीटर पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि सिंध गवर्नमेंट के तावन से और कई लीडरशिप के हिदायत पे के इलेक्ट्रिक का अमला इस प्रोजेक्ट में सिंध गवर्नमेंट की स्पीड के साथ चलें और हम अपने नेटवर्क को शिफ्ट करते चलें, बेहतर करते चलें ताकि रेड लाइन BRT अपने टाइम से और अपने बजट के हिसाब से मुकम्मल हो सके। ये इस प्रोजेक्ट से पहले हमने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी किया है जो कि 25 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट था सुजानी से लेकर और नुमाइश तक, और ये 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो है ये मलिर कैंटोनमेंट से लेकर और नुमाइश तक है। दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह BRT लाइन प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। के इलेक्ट्रिक समझती है कि काम इस तरह से होना चाहिए कि उनके कस्टमर की डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमने जो अंडरग्राउंड वर्क किया है या ओवर द रोड वर्क किया है इसमें कस्टमर की डिस्टर्बेंस इज़ लेस देन 1%, और इस प्रोजेक्ट की वजह से जो हम काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड उससे भी रोड नेटवर्क और दूसरी यूटिलिटीज़ के नेटवर्क को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया।